मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ललिता सुखीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ओरिएंटेशन एनवायरनमेंट की स्पेशल नेचर से रेलेवेंट है और इस तरह से इस ओरिएंटेशन बिहेवियर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पोजिशनल ओरिएंटेशन, सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड स्ट्रेटो ओरिएंटेशन, फोर्थ जोनल ओरिएंटेशन, फिफ्थ टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन एंड सिक्स्थ इज जियोग्राफिक ओरिएंटेशन। फर्स्ट इज पोजिशनल ओरिएंटेशन। इस पोजिशनल ओरिएंटेशन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, द एबिलिटी टू फाइंड एंड अप्रोच द रिसोर्सेज एंड अवॉइड स्ट्रेस सोर्सेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। टिपिकली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज टू फेज्ड, ये दो फेज में होता है। फर्स्ट इज सर्च एंड सेकेंड इज अप्रोच। और जो खोज का जो शुरुआत होती है वो एक बड़े रीजन से होती है, जिसे रेजिंग भी कहते हैं, और कभी कभी ये मुड़ने के अलावा सीधी रेखा में भी इसका मूवमेंट होता है। और यदि कोई स्रोत का आभास होता है तो छोटे रीजन में खोज होती है तो उसे लोकल सर्च कहते हैं। विच नाउ इन्वॉल्व्स मेनली टर्न्स विथ लिटिल स्ट्रेट मूवमेंट्स इफ इट लीड्स टू अ रिसोर्स। अगर ये रिसोर्स है तब तो ये अप्रोच होती है, और अगर ये स्ट्रेस होता है तो ये इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिसोर्स है तो एनिमल वहाँ तक पहुँचता है, और अगर वो स्ट्रेस है तो वो इसको अवॉइड करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटो ओरिएंटेशन। स्ट्रेटो ओरिएंटेशन, मूवमेंट अक्रॉस द वर्टिकल लेयर्स ऑफ अ हैबिटेट इज स्ट्रेटो ओरिएंटेशन। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट इज मोर फॉर द स्मॉलर फॉर्म्स एज इट इज ईजियर फॉर देम विद देयर स्मॉल वेट एंड ऑल्सो बिकॉज द स्मॉलर एनिमल्स कैन नॉट मूव फास्ट एंड इट बिकम्स टैक्सिंग टू मूव ग्रेट डिस्टेंसेज हॉरिजोंटली टू एनकाउंटर वेरिएशंस इन फिजिकल फैक्टर्स वेयर एज लेस वर्टिकल मूवमेंट produces same changes। जो छोटे animals होते हैं उनमें horizontal movement के बजाय vertical movement करना easy होता है, और साथ में इनके जो strato orientation होता है उसके लिए जो sensory सूचना होती है, sensory या हम कह सकते हैं जो sensory input होता है वो उनको प्राप्त करना कठिन नहीं होता है, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक रेफरेंस की तरह फंक्शन करता है, और उसको जो ये एनिमल्स होते हैं वो उसको महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो लाइट का यूज़ होता है वो भी इस तरह से रिसोर्स की तरह इनको लाइट को यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वर्टिकल माइग्रेशन करते हैं, उनमें स्ट्रेटो ओरिएंटेशन पाया जाता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये जो प्लैंकटॉन्स हैं जो कि रात को मूव करते हैं, ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ये जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि रात को तो ऊपर आ जाते हैं और दिन में नीचे आ जाते हैं। दिस मूवमेंट इज गाइडेड बाय द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द ग्रेविटी। इन एनिमल्स में जो ये मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन लाइट की इंटेंसिटी और ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल होता है। द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द एनिमल ऑल्सो प्ले एक्टिव रोल इन दिस। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या मतलब कि रात को ऊपर आना और दिन में नीचे की तरफ जाना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी इस तरह से कंट्रोल होता है। द अपरेंट एडवांटेज, ये जो इस तरह से मूवमेंट करते हैं एनिमल्स जो स्ट्रेटो ओरिएंटेशन पाया जाता है, वो इनको एक तरह से इस स्ट्रेटो ओरिएंटेशन से इन एनिमल्स में फ़ायदा होता है
कि जब ये दिन में नीचे की तरफ जाते हैं तो इनको शिकार से ये बच जाते हैं, और फिर जब ये रात को ऊपर जाते हैं तो ये ऊपर जा कर के अपना खाना लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। द अपरेंट एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रीडेशन इन द डे एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ अबंडेंस ऑफ फूड इन द अपर लेयर ऑफ वाटर इन द नाइट। तो इस तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो अपना स्ट्रेटो ओरिएंटेशन दिखाते हैं, इस स्ट्रेटो ओरिएंटेशन में दो रिसोर्सेज को, रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड सेकेंड इज़ द ग्रेविटी। और इसकी वजह से ये एक तरह से इनका बायोलॉजिकल क्लॉक भी फिक्स होता है, और इस तरह से इनमें ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, और वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ये रात को ऊपर और दिन में नीचे होते हैं, और ये जो स्ट्रेटो ओरिएंटेशन होता है वो एक तरह से इनके लिए यूजफुल या फायदेमंद होता है। नेक्स्ट इज जोनल ओरिएंटेशन। ये जो जोनल ओरिएंटेशन है, ये जमीन पर परिवर्तन या जंगल जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो एस फैक्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जोनल ओरिएंटेशन पाया जाता है। फैक्टर्स लाइक वेरिएशंस इन द ग्राउंड लेवल एंड डिग्री ऑफ फॉरेस्टेशन लीड टू जोनल ओरिएंटेशन। जैसे कि समुद्र में जो सीपी पाई जाती हैं, ये जो सीपी होती हैं ये समुद्र के किनारों पे रहती हैं, और जहाँ पर जो समुद्र अपने लहर के समुद्र में, जैसे आपने देखा होगा कि लहरें उठती हैं और ज्वारभाटा आता है, तो ज्वारभाटा के साथ लहरें आगे की और किनारों की तरफ आती हैं, फिर पानी पीछे की तरफ जाता है। जब लहरें उठकर के किनारों की तरफ आती हैं तो लहरें अपने साथ खूब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल लेकर के आती हैं, जो कि इन सीपी के लिए एस फूड की तरह फंक्शन करती हैं। और इस तरह से जब समुद्र का पानी पीछे हट जाता है तो उस जगह पर पानी घटने पर जो सीपी होती है वो बाहर निकल कर आती है, और फिर जो लहरों के द्वारा वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल आया था वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने भोजन के रूप में वो लेती हैं। तो इस तरह से ये जो क्रस्टेशियन एनिमल्स होते हैं वो भी इसी तरह से इन समुद्र के किनारे पे रहते हैं, और वो जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर ये वहाँ पर पाए जाने वाली ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग अपने एरिया को चेंज करते हैं। अगर जो समुद्री रेत सूखी होती है तो ये क्रस्टेशियन एनिमल्स नीचे की ओर जाते हैं, और अगर वहाँ पर गीली रेत होती है तो ये क्रस्टेशियंस ऊपर की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से ये अपने अकॉर्डिंग जो उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है उस बेस पर ये एनिमल्स मूव करते हैं, यानी कि ये एनिमल्स अपने अकॉर्डिंग एरिया को या जोन को चेंज करते हैं, इसलिए हम इसको जोनल ओरिएंटेशन कहते हैं। जोनल ओरिएंटेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड स्ट्रेस सोर्सेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अ फ्रॉग वुड जंप इनटू वाटर इफ सम प्रीडेटर अप्रोचेस, सिमिलरली अ रोडेंट वुड जंप इनटू इट्स बरो इन सच अ सिचुएशन। यानी कि कोई भी एनिमल अपने अकॉर्डिंग अपना जोन चेंज कर पा रहा है और उस समय जो वो मूवमेंट कर रहा है तो वो कहलाता है जोनल ओरिएंटेशन। अगर मेंढक अपना शिकार देख लेता है तो वो अपने शिकार से बचने के लिए फटाफट पानी में छलांग लगा लेता है, तो इस तरह से वो पहले जमीन पे था और एकदम से पानी में कूद गया, यानी कि उसने अपना जोन चेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड जोनल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन। टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन इसे कहते हैं जब कोई एनिमल वापस उसी रास्ते को खोज ले जिस पर कि वो मूव करके आया, उसे टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिक्वायर्स मैनी कंपोनेंट्स लाइक डिस्टेंस ओरिएंटेशन, डायरेक्शनल ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन बाय लैंडमार्क्स एज वेल एज लर्न्ड इंफॉर्मेशन। इन सम एनिमल्स इट इज ओनली द लास्ट कंपोनेंट विच इज इन्वॉल्व इन टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन लाइक सम स्पाइडर्स एंड क्रैब्स।
हनी बीज, एंट्स और जो वेस्प्स होती हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन में सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, और साथ में ये अपना छत्ता बनाते हैं या जो इनकी भोजन बनाने की जगह होती है उसका रास्ता खोजने के लिए ये कंपास ओरिएंटेशन को यूज़ करती हैं। दे ऑल्सो यूज़ लैंडमार्क्स एंड दिस कम्स हैंडी स्पेशली व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। नेक्स्ट इज जियोग्राफिक ओरिएंटेशन। ये जियोग्राफिक ओरिएंटेशन उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाने पर लंबी दूरी तय करते हैं। जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि जो फिशेस होती हैं वो मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में, या फिर समुद्र में भी एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे ये मूव करती हैं, ओरिएंट होती हैं, तो इस तरह से ये एक लंबी दूरी तय करते हैं। और आपने बर्ड्स को भी देखा होगा कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में मूव करती हैं। ये जो इनका मूवमेंट होता है सीजनल चेंजेस की वजह से होता है। द माइग्रेटिंग बर्ड यूज अ काइंड ऑफ फैक्टर जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन टू मूव ओवर ग्रेट डिस्टेंस फॉर नेस्टिंग और विंटरिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा। ये सारे टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन थे जो कि स्पेशल नेचर से रेलिवेंट थे, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का ओरिएंटेशन पाया जाता है। ओके, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टाइप के ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।